अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, संपूर्ण बनना, सतोप्रधान बनना, ये तो सभी का लक्ष्य है, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए जो विशेष पुरुषार्थ होना चाहिए वो क्या है? इसके लिए तुम्हारा हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, जरा भी व्यर्थ ना हो। मुरली पढ़ना, चेकिंग करना, ये तो मोटी बात है। जैसे जैसे समय समीप आ रहा है तो आप निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को, अब विशेष पुरुषार्थ पता क्या करना है, तुम्हें समय से भी तेज दौड़ लगानी है। बाबा ने कहा, ऐसे कभी नहीं कहना कि अभी तो इतना समय पड़ा है, ये कमी भी दूर हो ही जाएगी। नहीं, सदा बुद्धि में रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प के लिए ये स्लोगन पक्का कर लो। जब अभी से ऐसे संस्कार भरेंगे तभी ऐसा कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगे। फिर कभी कहने वाले तो मध्य में आएंगे, क्योंकि वो यहां भी समय का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां भी उनको पद पाने में इंतजार करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, बाबा कह रहे हैं, जो यहां समय का इंतजार करते हैं तो उनको सतयुग में भी पद पाने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर कभी ये विचार आता है कि हमारे से जो आगे हैं पहले वो करके दिखाएं, तब हम करेंगे। ये है अलबेलेपन के संस्कार। महावीर जो होते हैं उनके संस्कार पता क्या होते? जो संकल्प आया वो अभी करना ही है, कल नहीं, आज भी नहीं, अब ही करना है। बाबा ने फिर एक बात और कही, अपने को कोई छोटा तो नहीं समझता, पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। यहाँ तो छोटे भी आगे जा सकते हैं, जो करेगा सो पाएगा। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा चाहते हुए भी स्वयं को चेंज नहीं कर पा रहे तो जरूर कोई बोझ है। अब उस बोझ को भस्म करो, विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। रोज अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, नहीं तो बोझ में ही समय बीत जाएगा, फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। चेक करने से सब ठीक हो जाएगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।